इसके साथ दूल्हे के बड़े भाई तैयार है, दूल्हे के बड़े भाई सगाई में जाने के लिए, छोटे भाई की सगाई में जाते हुए। मेरे भाई की शादी है। लाल बंदर माला लाओ, फूलों की वो नोटों की अच्छी हो गई आशीर्वाद। क्या हाल है रुचि, क्या हाल है, कैसा लग रहा है? हाँ तो भाई ठीक हो, ठीक हो। नींद अच्छी आई थी, रात नहीं आई? नींद आई थी रात को अच्छी? चलो ठीक है। एक बार ये बात क्या था, क्या कह रहे हो? एक फोटो आया यार, पहले बताओ, वीडियो बन रही, बताओ आप क्या कह रहे थे बोलने? हाँ हाँ, दो हरी के बीच में शंकर के और इसी के साथ यहाँ पे सगाई हमने संपूर्ण हो गई है। चाचा जी क्या रहा सगाई में, कैसे कैसे रहा? सगाई की विधि, हाँ आप बताओ सर क्या कह रहे हो चाचा जी? आज दीपू की सगाई के लिए गए हुए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और काफी सेलिब्रेट किया और साथ में रिचा के चाचा और चाची की एनिवर्सरी भी थी, वो भी सेलिब्रेट किया। उनके लिए केक ले गए थे केक काट के केक खा के आ रहे हैं। काफी अच्छा बहुत माहौल था वहाँ, अभी बढ़िया रहा और हम सब लोग वहाँ से इस टाइम अब वापसी के लिए आ चुके हैं रोड पे। बहुत बढ़िया, इसी के साथ सगाई का विधिवत प्रोग्राम संपन्न हो चुका है और यहाँ से अब देघाट के लिए प्रस्थान, क्योंकि हमारी मेहंदी है, दीपू की मेहंदी है, वापस जा रहे हैं। पंडित जी, ये हमारे पंडित जी हैं, हमारी शादी का कार्य भी इन्होंने संपन्न किया था और सगाई का काम संपन्न हो चुका है। तो पंडित जी बहुत जल्दी हमने निपटा दिया सगाई का, हम और टेंशन में था कि मेहंदी के लिए लेट हो जाएंगे, काफी जल्दी निपटाया आपने। कितना ही समय लगता है क्या? हमारी जो मॉर्निंग रहती है उसमें इतना ही समय सगाई में रहता है। और कल शादी के लिए क्या प्रोग्राम है, किस समय का निकलना है? सुबह 9 बजे पूजा का मुहूर्त है और उसके बाद फिर रात्रि की जो शाम को भरा जाएगी करीब 4 बजे करीब, और शाम को 4 बजे करीब। जैसा कि आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है, पपनोई परिवार के साथ हर बार लेट कर देते हैं, तो आप इस बार थोड़ा सख्ती बरतेंगे, ऐसा कुछ प्लान किया है आपने कि किस तरह से टाइम पे निकालेंगे बारात को? बिल्कुल, मैंने दूल्हे को बिल्कुल, दूल्हे का तो मतलब ही नहीं है, बाकी ले लिया है। हाँ, दूल्हे को आपने आगोश में ले लिया है? बोला भी है कि भाई तुमने टाइम पे तैयार रहना है, अगर टाइम पे नहीं तैयार होगे तो बहुत मुश्किल हो पाएगा। हाँ, तो इसलिए कह रखा दूल्हे ने भी कि मैं बिल्कुल टाइम पे तैयार रहूंगा और जैसे भी समय के अनुसार। मतलब आपने कर दिया है दूल्हे के साथ, वार्तालाप आपकी हो चुकी है, बट दूल्हे के पिताश्री के साथ थोड़ा सा आपको बात करने की जरूरत, कैमरा मैन से सबसे मेन बात नहीं बताऊँ, उसके भाई को भी करना पड़ेगा। हाँ, वो भी थोड़ा लेट है, बड़े भाई ये सबको जो है ना लेना पड़ेगा टाइम से, एक दूसरे के टांग खींचने लगे हैं। ये भी बिल्कुल, बड़ा भाई तो डिसिप्लिन के मामले में आपको पता है सबसे पीछे है, सबसे पीछे है वही बोल रहा हूँ, सबसे पीछे खींच के गया शाम को 7 बजे तक बराबर चली थी। ये मामा जी ने पोल खोल दिया है। नहीं नहीं, चाय दिखाओ, चाय इनके बेटे की शादी है, ये पड़ोस में बैठ के चाय पी रही है, कोई काम नहीं, देख रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत रात खाया भी जन्नू भूखे लगे, क्या हुआ अभी भी? जन्मों नहीं हो गया रुसो। ओह हाँ हाँ, अल्लाह हमें वो इस बार आए उन्हें के बड़े भाई सगाई के बाद बारात सिर में रख के लाते हुए और डांस करते हैं, पीछे से माता श्री बहुत बढ़िया डांस कर रही है और आते हुए ये जो है आपका माता श्री जो पड़ोस में चाय की चुस्की ले रही थी, घर में बेटे की शादी है और पड़ोस में चाय की चुस्की चल रही है, बहुत बढ़िया था, पीछे डांस करते हुए आ रही है और तुम परात आओ। अल्लाह कर रही है, देखो ये देखो मेरी मेहंदी, देखो लग गई मेहंदी यार, मेहंदी तो रात को है, कोई बात नहीं, मेरे पास छोटा बेबी है ना, इसलिए मैं पहले मेहंदी लगा रही हूँ। ओके, और लगाने वाला कौन है? मुझे अपनी देवरानी को लाने की ज्यादा एक्साइटमेंट है, इसलिए मैं टाइम से पहले काम कर रही हूं। और लगाने वाली कौन है? लगाने वाली है पटियाला की, शिखा, हरियाणा, सॉरी हरियाणा की। हाँ भाई हेलो, गांव की शादी तुम्हें बहुत पसंद थी, इधर दिखाओ, गांव की शादी बहुत पसंद थी ना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या अच्छा लगा वैसे तब तक तुम्हें? मौसम बारिश हो गई? अब तो ऐसी हो जाती है बारिश। शानदार व्यू। का टाइम स्टार्ट हो गया है और बंदे हालत थोड़ी सी खराब हो रही है। मेहंदी स्टार्ट हो गई भाई। हेलो 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 मेहंदी, मैं तैयार होके बैठे। लौंडे एक बात है, लौंडे जन्म है हमारे, लौंडे तैयार होके बैठे हैं। लौंडों ने कहा सोएंगे भी तो तैयार होके सोएंगे, उठ नहीं पा रहे हैं लड़के। मेहंदी का टाइम स्टार्ट हो गया है और खासम खास दोस्त बिल्कुल अरे ये देख खास जो खासम खास भाई। हेलो भाई साहब, वैसे मेहंदी कितने बजे की है? रेडी है, चलो चलो रेडी है। वैसे मेहंदी कितने बजे की है? वैसे जब रिकॉर्डिंग ब्लॉक। ये बंदा ठीक है यार, ये बंदे ने पूरी मेहंदी में डांस कराया है, लड़के का पूरा साथ दिया और उसके बाद देखो यहाँ भी आया लड़कों को उठा। सीरियसली ये लड़के में दम है। ये बंदे के बारे में कुछ कहना चाहूंगा मैं। ये बंदा अभी तक बिल्कुल फिट लग रहा है आपको, बट थोड़ा देर बाद आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको मिलेगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा। क्या इसका नाम विनय है? विनय है इसका। इस बंदे से मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। है ये अब नाम जाएगा। आ रहा हूँ मैं, एक मिनट रुक जा। इस बंदे को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत खास दोस्त है, बहुत हर जगह मेरे को साथ मिला ये बंदा। लेकिन एक बात है खास, ये भी है। वो कहाँ गया? वो दूसरा वाला विनय भी खास है, लेकिन वो कई जगह नहीं मिला मेरे को। लेकिन ये बंदा और ये बंदा मिलता है, ये बंदा तो जेन्युइन आदमी है, सुविधांत आदमी है, हर जगह मिल जाता है। ये आदमी का समझ नहीं आ रहा मेहंदी भाई। मेहंदी का टाइम क्या है आज? कौन सी डेट है आज? डेट क्या है आज? भाई पांच मेहंदी का टाइम हो रहा है। एक काम करो सबको ये जो हालत है कोई बात नहीं। और वो बंदे का क्या है? वो कौन है भाई? वो कौन है? अरे वो कौन है? वो कौन भाई? मेहंदी है। चलो भाई, वो बंदा जिंदा है? वो दिल्ली से। अरे वो जिंदा है, देखो एक बार कौन है। ये लास्ट किसकी है भाई? चल यार मेहंदी जल्दी जल्दी फटाफट उठा। अरे देखो इसको, देखो दूल्हा खुद आया बंदों को उठाने, क्योंकि इसको पूरी उम्मीद है बंदों से। क्या हालत है, ये खुद उठाने आया है लोगों को। भाभी जी खुद आई है यहाँ पे। भाभी जी को अपने देवरों पे पूरा भरोसा है कि देवर किस कदर कहाँ मिलेंगे, उनको खुद उठाने आई है। भाभी जी आप क्या कहना चाहती हैं? बस क्या कह सकते हैं, हट जा वो बोल रही, हट जा। तेरे साथ बड़ी दिक्कत है भाई। ये देख यहाँ पर हमारी बांजी बोल रही है। मेरे भाई की आज मेहंदी है, आज हम फुल एंजॉय करने वाले हैं फुल। आप इस ब्लॉग को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दूल्हे राजे की आगामी जिंदगी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए। बहुत अच्छे ये इन्होंने जो एक लाइन में एक फ्लो में इन्होंने जो इतना तगड़ा हिंदी बोला है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। निशु भाई दो लाइन। निशु भाई हमारा भाई, मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं कभी कैमरे के सामने नहीं बोला, आज बोला आज बहुत अच्छे। तेरे साथ जो भी हुआ उसको उसको साइड में रख के अब बोल, कैसा लग रहा है तेरे को दीपू शादी? हमने जैसा ऐसा प्लान किया था दीपू शादी में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आज हो नहीं पा रहा, बट हम खुश होते हैं, खुश होते हैं। मेहंदी का डांस चल रहा है, बहुत बढ़िया डांस चल रहा है, लेकिन कुछ लोग बड़े परेशान हैं कि डांस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं जो उनको डांस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि करें, लेकिन इस उम्मीद से ना करें कि आप पार्टी का एंजॉय कर सकते।
नहीं लिया, क्या बात है? सबका मेकअप इसी ने किया है, अगर सब लोग अच्छे अच्छे दिख रहे हैं तो इसका रीजन सिर्फ प्रिया है, प्रिया ने सबका मेकअप किया है। और प्रिया को बुकिंग मिला, प्रिया आपको बता देता है। It's